आज हम आपको अंग्रेजों के जमाने के एक इंजन के बारे में बताने जा रहे हैं जो जोलाशाल के जंगलों से 20 कीमती लकड़ियों की ढुलाई करता था। ब्रिटिश कालीन सन 1926 में हल्द्वानी पहुंची ट्रेन का इंजन आज भी हल्द्वानी के उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी प्रांगण की शोभा बढ़ा रहा है। कभी यह ट्रेन का इंजन 2 फीट की पटरियों पर बेधड़क दौड़ता था और जंगल से बेशकीमती लकड़ियों की ढुलाई करता था और वन विभाग की शान भी हुआ करता था, जिसे आज वन विभाग ने धरोहर के रूप में संजोए हुए रखा है। 14,012.50 रुपए में खरीदे गए इस इंजन की छुक छुक की आवाज कभी दूर तक सुनाई देती थी। बताया जाता है कि ब्रिटिश कालीन शासन में अंग्रेज भारत पहुंचे तो यहाँ की वन संपदा पर उनकी नजर बनी हुई थी। कुमाऊं मंडल के चौर गलियों स्थित जोलाशाल जंगल शाल की बेशकीमती लकड़ियों के लिए जाना जाता था। अंग्रेज अपने हथियार के बट सहित अन्य सामग्री बनाने के लिए जोलाशाल के जंगल शाल की लकड़ियों का ही प्रयोग करते थे। वन क्षेत्र के अधिकारी मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हथियार में प्रयोग की गई बट की लकड़ियां कुमाऊं मंडल की जोलाशाल के जंगलों से थी। उस समय लकड़ियों को ढोने के लिए कोई संसाधन नहीं था। 1926 में वन विभाग ने इंग्लैंड की कंपनी से 14,012.50 रुपए में एक इंजन खरीदा था जो 2 फीट की पटरी पर दौड़कर वन विभाग के कामों में सहयोग किया करता था। देखिए, ये जो एफटीआई परिसर में एक इंजन रखा गया है, एक हाथी का हल रखा हुआ है, ये चूँकि जब ब्रिटिशर यहाँ पर थे तो नंदौर घाटी में ट्राम में जो लकड़ी का ढुलान करने के लिए वो रेल का इंजन रेल यूज होती थी, तो यूज जब होना बंद हो गया तो इस इंजन को एक यहाँ पर प्रदर्शन के रूप में एफटीआई कैंपस में लगाया गया है। ऐसे जो हाथी का हल है वो भी उस समय तराई जोन को जोतने के लिए उस हल का इस्तेमाल किया गया जो हाथी के द्वारा खींचा जाता था, पालतू हाथी द्वारा, तो अब वो प्रथा खत्म हो गई है। तो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए ट्रेनीजों को बताने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। हाँ, ये इंजन चूँकि ट्राम्बे जो नंदौर घाटी में था, नंदौर घाटी में जो साल की हमारी बेस कीमती जो अंग्रेजों ने यहाँ पर कटान किया और उसको सीधे लालकोट डिपो तक का ढुलान करके वहाँ से ट्रेन के माध्यम से वो सीधे इंग्लैंड ले गए, तो ये विदोहन किया, ये एक विदोहन का प्रतीक भी है ये इंजन।